ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से हमारे स्टॉक होंगे जो नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए होंगे, कौन से स्टॉक बाइंग के लिए होंगे, कौन से स्टॉक सेलिंग के लिए होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अभी हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। अभी इसको मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, तो जब आप इस स्टॉक को देखते हो तो इसमें मंथली ब्रेकआउट हो चुका है। एक बार मैं क्या है कि इसको वन मंथ के चार्ट के ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, सो आपको आइडिया है। देखो, ये पहले ऊपर गया, नीचे, बाद में फिर से वही हाई के पास से नीचे, फिर से वही हाई अभी इसने ब्रेक कर दिया है। सो इन सिंपल, यहाँ एक ब्रेकआउट टाइप हुआ है, इसीलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। इसको वन डे पे अभी देखते हैं, सो और बेटर आइडिया है। जो लाइन है वो ब्लू लाइन है, वो ये याद रखना। इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूं, सो अभी आइडिया है। ओके, अभी ये ब्लू लाइन है वो मंथली ब्रेकआउट है। अभी इसका ब्रेकआउट तो हो चुका है, तो इन सिंपल आप यहां कहीं अगर ये रिट्रेस करने, अभी ये रिट्रेस करने आया, फिर से ये क्या है कि जो पिछला सेशन था उसमें ये अप चला गया, तो इन सिंपल यहां कहीं बाय कर सकते हो। या तो आपकी सबसे बेस्ट एंट्री होगी ये हाई के ऊपर बाय, समझ गए। ये हाई अगर प्रॉपर ब्रेक हो जाता है तो आप इसमें बाइंग साइड एंट्री ले सकते हो, यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा के। इस स्टॉक को आप पोजिशनली भी लेके जा सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेके जा सकते हो। बहुत ही अच्छा सेटअप बना रहा है, मंथली ईयर ब्रेकआउट हो चुका है, तो अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय साइड के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। अभी हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है विप्रो। अभी विप्रो को क्यों मैं लेके जा रहा हूँ, तो विप्रो में भी क्या हुआ कि आपका ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है। ये देखो, ये इसका ऑल टाइम हाई था, बाद में बहुत टाइम के बाद ये वहां आया और इसने एक प्रॉपर कैंडल के साथ ब्रेक किया। देखो, ये प्रॉपर कैंडल, एक अच्छी बॉडी कैंडल के साथ ब्रेक किया। यहाँ जिसने बाय किया है वो क्या कि अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉप लॉस शिफ्टिंग के साथ। बाद में जिसको फ्रेश एंट्री लेना है तो वो भी बना सकते हो। तो इसमें सेटअप क्या है, सिंपल सी बात, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है ऑल टाइम हाई का, बाद में अपर गया, रिट्रेस करने नीचे आए, वही ओल्ड टाइम हाई जो रेजिस्टेंस था वहीं ये सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। तो अगर ये क्या है कि प्रॉपर तरीके से इसको सस्टेन कर देता है और ये हाई ब्रेकआउट हो जाता है, या यहाँ कहीं आपको लगे कि नहीं मेरे को लो कॉस्ट एंट्री लेनी है, तो यहाँ कहीं अपना बाय कर सकते हो। लेकिन सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी ये हाई के ऊपर ब्रेकआउट, मतलब एक कन्फर्मेशन होगा कि नहीं अभी ये सस्टेनेबल है या नहीं, तो ये हाई के ब्रेकआउट पर आप एंट्री ले सकते हो। लास्ट लो जो भी हो वहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, मोस्टली यही आएगा, तो आप यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो जो हमारा दूसरा स्टॉक था वो था विप्रो। नॉर्मली मैं इसको क्यों लेके जा रहा हूँ, तो ऑल टाइम हाई का एक अच्छा सा ब्रेकआउट हो चुका है, हाल फिलहाल ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रहे, तो उसका भी प्रॉपर हमें आइडिया लग जाए कि नहीं चलो ये रिट्रेसमेंट ही था, तो उसके बाद हम प्रॉपर इसमें एंट्री बनाएंगे। अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो देख लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है विनाती ऑर्गेनिक। अभी इसको मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, इसमें भी बहुत अच्छा सेटअप है और ये रिट्रेसमेंट सेटअप है। तो आप इसमें देख रहे हो, ये वन डे का चार्ट है, तो इसमें देखो आप यहाँ एक बार क्या किया, इसने रेजिस्टेंस लिया, ओके, दूसरी बार वही रेजिस्टेंस, तीसरी बार वही रेजिस्टेंस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अभी इसको इसने यहाँ कर दिया ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छा ट्रेंड भी मिला अपसाइड, बहुत सारों ने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी की है, क्योंकि एक नीचे भी सपोर्ट के पास से ऊपर आया था, ओके, सो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आए, फिर अभी ये नीचे आए, तो जो इसका रेजिस्टेंस था अभी वही सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। देखो, यहाँ ये सपोर्ट की तरह वर्क किया, जो पिछला सेशन था एक अपसाइड अच्छी मिली है। तो पहली बात कि आप इसमें एंट्री कहाँ ले सकते हो, अगर आपको प्रॉपर एंट्री चाहिए तो ये हाई का ब्रेकआउट ही होगा, लेकिन वो थोड़ा क्या हो जाएगा, हाई स्टॉप लॉस वाली एंट्री हो जाएगी। तो अगर आपको इसमें प्रॉपर एंट्री लेनी है तो आप यहाँ इसको रिट्रेस होने दो, यहाँ कहीं बना सकते हो, या तो ये कैंडल के हाई के ऊपर, ये कैंडल का हाई प्रॉपर अगर सस्टेन कर लेता है जब मंडे मार्केट ओपन होता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस आप अपना ये रखिए, और ये क्या है कि मूवमेंट भी अच्छा देता है, तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा होगा तो क्वांटिटी कम लेके जाना है, आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन के साथ इसमें जाना है। सो ये भी एक अच्छी एंट्री है, आप इसमें भी क्या है कि देख सकते हो, अगर आपको इसमें प्रॉपर एंट्री मिली तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो। सो जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है विनाती ऑर्गेनिक्स। हम इसको इसीलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है और वही अभी ये रिट्रेस करके अपर जाने की ट्राई कर रहा है। अगर आपको इसमें प्रॉपर एंट्री लगे तभी आप इसमें एंट्री लीजिएगा। अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है
वो देख लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है कोफोर्ज। अभी कोफोर्ज में क्यों लेके जा रहा हूँ, तो आप देखिए एक इसमें भी एक बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था, मैं इसको आगे भी शेयर कर चुका हूँ, फिर से मैं इसको शेयर करने चाहता हूँ क्योंकि आप इसमें देखिए बहुत अच्छा आगे भी सेटअप बन चुका था। आप देखिए एक अच्छी सी अपसाइड, बाद में एक कंसोलिडेशन, अभी इसका ये प्रॉपर ब्रेकआउट मैंने यहाँ शेयर किया था ये चार्ट के, आप इसमें एंट्री ले सकते हो ये स्टॉप लॉस के साथ। बाद में एक अच्छा मूवमेंट भी आया, रिट्रेसमेंट भी आया और फिर से अपर जा रहा है, तो जो आगे एंट्री लेके बैठे हैं वो यहाँ अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो। आप ये कैंडल का हाई पे एंट्री ले सकते हो, ये कैंडल का हाई अगर प्रॉपर सस्टेन कर लेता है मंडे तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस उसके लिए भी यही रहेगा। तो जो था कि कोफोर्ज एक अच्छा सेटअप बना हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, बाद में क्या किया ये रिट्रेस करने आया नीचे और वही जो आपका सपोर्ट था वहीं से ये अपर गया है। सो इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ, नॉर्मली बहुत अच्छा स्टॉक है, सो इसमें आपको क्या है कि अच्छे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। आप इसे स्टॉप लॉस शिफ्टिंग के साथ पोजिशनली भी एड कर सकते हो। तो जो हमारे चार स्टॉक थे उसमें से मैं कोफोर्ज, विनाती ऑर्गेनिक और आपका जो विप्रो है और लास्ट में जो हमने पहला स्टॉक देता हुआ न्यूक्लिस सॉफ्टवेयर, ये चारों चार स्टॉक अच्छे हैं। मैं पर्सनली ये कोफोर्ज एंड जो हमारा विप्रो है उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि दोनों बहुत अच्छे स्टॉक है, सो मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। लेकिन जो दूसरे दो स्टॉक है उसमें भी हम देखेंगे, अगर प्रॉपर एंट्री मिलती है उसमें भी तब हम उसमें भी एंट्री ले सकते हो। और दोस्तों यहां एक एनालिसिस शेयर की जा रही, सो इसका मतलब यह नहीं है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो इसको, आप अपनी भी एनालिसिस उस पर करो, बाद में कोई डिसीजन लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आप अपना कैपिटल के हिसाब से, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी एनालिसिस पे एंट्री ले सकते हो। सो सिंपली मैं यही कहना चाहता हूं, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एनालिसिस पे ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसे वीडियो आगे ले आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।